बापूजी। बहू, आज एक ससुर अपनी बहू को ऐसी सजा देगा जिसे हर बहू याद रखेगी। चल खड़ी हो, चलो। किस तरफ? हाँ, ले जा रहा हूँ मैं। अब ये से साइड में आ, खड़ी रहे, ये कुर्सी है, बैठ जा। जेठिया, आंखों से पट्टी खोल। जी बापूजी। दया, मैं आंखों से पट्टी खोल रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं बोलू नहीं तब तक आंखें मत खोलना। चल अभी खोल आंखें। दाल ठोकरी। यही तेरी सजा है। मतलब ये बहू कि हम तीनों तुझसे नाराज होने का नाटक कर रहे थे। बापूजी, मैं सच में कुछ नहीं समझी। मैं लेट आई, आप सब लोगों को भूखा रहना पड़ा, फिर भी आप सब लोग मुझसे नाराज नहीं है? नहीं 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 है, मतलब अभी नहीं है, पहले थे। क्या हुआ, मैं दुकान से घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का मूड बना के आया तो घर पे आके देखा तू नहीं है, खाना भी तैयार नहीं है, और भूख के मारे टप्पू बापूजी और मैं, हम तीनों की हालत खराब थी, तो मुझे गुस्सा आया। और आने दे बहू को, आज वो अपने ससुर का एक नया रूप देखेगी। शाबाश बापूजी। दया आए तभी उसको बराबर डांटना। क्या डांटना? क्या डांटना? क्या तेरे में इंसानियत जैसी कोई चीज है कि नहीं है? बुजुर्ग, अरे हर बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, जरा समझदारी से काम ले। इसमें क्या समझदारी से काम लूं बापूजी? 10 मिनट 10 मिनट बोल के 2 घंटे हो गए, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई जिम्मेदारी जैसी कोई चीज है कि नहीं? ये जिम्मेदारी भाई, घर में अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो बहू है। सुबह सबसे पहले वो उठती है, हमारे उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर लेती है। उसका दिन हमारा नाश्ता बनाने से शुरू होता है और हमारा ख्याल रखते रखते पूरा होता है। हमेशा हमारी तकलीफों का ख्याल रखती है। आज अगर उसे थोड़ी देर हो गई है तो जरूर उसका कोई कारण होगा, कोई भी मुसीबत बता के थोड़ी आती। बहू ने तुझसे खुद कहा था ना कि आज वो तेरे लिए काठियावाड़ी खाना बनाएगी। हाँ, अगर उसे पता होता कि वो तेरे लिए काठियावाड़ी खाना नहीं बना पाएगी तो वो सामने से तुझे फोन करके बताती ही नहीं ना। ये बात तो तू भी मानता है ना? तो फिर तो अब बहू हमारे लिए इतना सब करती है तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? मतलब क्या करना है उसके लिए? आज खाना हम बनाएंगे। हाँ दादाजी। हम? क्यों भाई, हम खाना खा सकते हैं तो हम खाना बना नहीं सकते? क्यों, भूल गया? तेरी माँ जब खेत में काम करते करते थक जाती थी तो खाना मैं ही बनाता था ना। हाँ हाँ हाँ, बनाइए बापूजी बनाइए, बहुत भूख लगी है। मतलब हम तीनों मिलके बनाते हैं। चल बता, बहू को खाने में क्या पसंद है? अरे सोच क्या रहा है, बता। कभी उसे खाते हुए देखा नहीं तो पता नहीं।
नहीं मतलब दोपहर को तो मैं दुकान में ही खाता हूँ और रात को सबसे पहले वो हम सबको खिलाती है, बाद में वो कभी खा लेती है पता ही नहीं। तो पापा मम्मी को दाल ढोकली बहुत पसंद है। अरे हाँ याद आया बापूजी, दाल ढोकली। अच्छा ठीक है तो चलो दाल ढोकली बनाते हैं। बापूजी आप एक साइड में खड़े रहिए और सिर्फ ऑर्डर दीजिए, सारा काम मैं और टप्पू करेंगे। बराबर टप्पू? हाँ पापा बराबर। बोलिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आटा चाहिए। आटा? ए भाई पूछेगा नहीं कौन सा आटा चाहिए? दाल ढोकली में तो चने का ही आटा होता है ना बापूजी। अरे गेहूं का आटा चाहिए, चने का आटा नहीं चाहिए। बापूजी दाल ढोकली पीली होती है तो चने का आटा होता है। अच्छा कितनी बार बनाई है तूने दाल ढोकली? मैंने एक भी बार बनाई नहीं है। हाँ तो सुन, गेहूं के आटे में हल्दी डालते हैं इसलिए दाल ढोकली पीली बनती है, समझा? समझा टप्पू? हाँ पापा। हाँ फ्री में सिखा रहे बापूजी साहब। तो गेहूं का आटा। पापा मुझे पता आटा कहाँ है। हाँ। एक मिनट ना। अच्छा इधर है। हाँ इधर। अरे वाह साहब बस रख दे, रख दे। हाँ। बस आटा मारो। हाँ, हाँ, दादाजी ये लीजिए मसाले का डिब्बा और ये लीजिए पानी। बापूजी पीजिए। ए उत्साही बराबर सुन, मुझे पानी पीना नहीं है, आटा गूंदने के लिए एक लोटा पानी चाहिए ऐसा कहा मैंने। अच्छा ठीक है बापूजी। अभी लोटा तू रहने दे जेठे, तू बाहर जाके आराम से बैठ, मैं और टप्पू कर लेंगे। नहीं नहीं बापूजी वो क्या है ये सब चीजों में आज तक कभी किचन में ध्यान नहीं दिया ना इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मिल जाएगा। बोले ना क्या चाहिए? अरे बोला ना एक लोटा पानी चाहिए। एक लोटा, लोटा अभी पहले चाहिए। पापा मुझे पता है लोटा कहाँ है। शाबाश। अरे वाह ये बच्चे लोग क्या है वो खाका खोड़ा करने आते रहते हैं ना किचन में, उनको सब पता होता है। दादाजी ये लीजिए एक लोटा पानी। ओहो पूरा लोटा भर के आए बापूजी, तो अभी अभी पी लीजिए। अरे मुझे पानी नहीं पीना है, तू पी। ओ पानी कम पड़े तो ये ग्लास इधर रखता हूँ भरा हुआ। और बोलिए और क्या चाहिए? अभी टप्पू ये आटा गूंदने के लिए कथरोट चाहिए। कथरोट? मुझे पता है मैं लेके आता हूँ, कुछ तो काम करने दे बेटा। ये ओ मैं ढूंढ रहा था ना आटा तो मेरी नजर पड़ी थी बापूजी। हाँ। ये ली, इसको कथरोट बोलते बेटा। हाँ इसमें वो आटा गूंदते। और बोलिए। और कुछ नहीं, तू बस शांति से खड़ा रहे। टप्पू आ जा इधर। देखा टप्पू आटा तैयार। चलो अभी आटा गूंथ लिया। वाह 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 मस्त जबरदस्त बनाया आपने आटा। और बोलिए अभी और क्या चाहिए? अभी कुकर। कुकर? ये रहा। हाँ ला ला बेटा ला 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 इधर इधर ला ये लीजिए बापू। अरे अभी से कहाँ गैस पे रख दिया? तो गैस बंद है ना बापू जी, यहाँ रखते खाली बाद में। अभी और बोलिए। अभी दाल चाहिए। दाल अभी ला। अरे बेटा पूछ तो सही कौन सी दाल? तूर की दाल। मिली? हाँ ये नहीं है। हाँ, हाँ, तो बोल ये लीजिए तुर की दाल। अब बेटा वो पता लीजिए। हाँ पता लीजिए बाबूजी को। हाँ बोले बाबूजी। और जेठे एक काम कर ये दाल इसमें डाल। हाँ दाल अरे डाल ले। बस अब एक काम कर इसे पानी से धो दे। हाँ। अभी इसको बेलते हैं।
क्यों हुआ? वाह वाह दादाजी, क्या खुशबू है, बहुत टेस्टी बनी है लगता है। हो गई दाल ढोकली तैयार। बापू जी जबरदस्त जबरदस्त आपने तो। कैसे लगे सरप्राइज? बापूजी सॉरी, मेरी वजह से अब सब लोगों को खाना बनाने की तकलीफ उठानी पड़ी। अच्छा, मतलब तू रोज हमारे लिए तकलीफ उठाती है? तू हम सब की जो दिन रात फिक्र करती है, हम सबका ख्याल रखती है, हमारे उठने से पहले तू उठ जाती है, टेबल पर गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार रखती है, मुझे हमेशा वक्त पर दवाई देती है, ये सब काम जो तू रोज करती है वो तू तकलीफ उठाती है। बापूजी आप क्या कह रहे हैं? घर वालों के लिए कुछ करना तकलीफ उठाना थोड़ी होता है, ये तो मेरा फर्ज है। तो क्या तेरे लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? तो बापूजी कहते हैं ना कि ईंट और पत्थर से मकान बनता है, लेकिन उस मकान को घर, घर की लक्ष्मी बनाती है। तू रोज इस मकान को घर बनाती है, तो क्या एक दिन हम तेरे लिए खाना नहीं बना सकते? हमारा जयडालाल के घर पे जाना ठीक होगा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। पर वैसे भी जयडालाल के घर से झगड़े का आवाज तो आ नहीं रहा है यार। ये तूफान से पहले की शांति है। वैसे मेहता साहब, आज जेठा के घर से बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी। मतलब जेठा पर गुस्से में बर्तन फेंकता? मैं काम करता हूँ, मैं जरा हेलमेट पहन के आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सोडा पीने नहीं जा रहे अब्दुल? आज सबको यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोडा पिलाने का इरादा है क्या? अरे भाई पूरी बात सुन लो एक बार पोपटलाल, हम लोग सोडा पीने नहीं जा रहे। अरे वो हम लोग, ओ पप्पू, ओ हम सबको हमारी बीवियों का फोन आया कि जेठा प्रा दया पापी को डांटने वाले हैं, इसलिए हम सब इकट्ठे होके जेठा प्रा को समझाने जाने वाले। सही बात है। अरे भाई ऐसे कैसे डांटेगा जेठालाल हमारी दया पापी को, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे मैं कौन के मैं खाम खा। पोपटलाल तुम्हें शादीशुदा जिंदगी के मसले क्या पता? यहाँ पे दुनिया नहीं हिलानी है, परिवार के मसले उन्हें संभालना है। चल के तारक, आप लोग अभी तक यही हैं? जेठा भाई के वहाँ नहीं गए? बबीता मैं सोच रहा था कि क्या हमारा जयडालाल को समझाना ठीक होगा। ऑफ कोर्स ठीक होगा अय्यर भाई, दया भाभी हमारे कहने से हमारे साथ बाहर आई थी, इसलिए वो लेट हो गई। बराबर अंजलि भाभी, लेकिन कितनी जल्द तरी, ये जेठालाल का पर्सनल मैटर है ना, तो ऐसे भी हमारा बोलना कहाँ तक ठीक है, और खासकर जयडालाल के मैटर में। यार भिड़े आप लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। मान लीजिए परिवार में किसी भी सदस्य को कोई समस्या हो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर सॉल्व करें। वो काय, ओ सभी अभी बातें बंद करते हैं और ऊपर चलते हैं जल्दी से। चलिए ना, प्लीज जल्दी चलिए। चल खा ले। हाँ। नहीं नहीं, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। दया रोज तो पहले हम सबको खिला के बाद में खाती है, आज पहले तू खाएगी उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। हाँ। नहीं नहीं आप खा लीजिए। तू खाती है कि मैं गुस्सा करूँ? करो गुस्सा, गुस्सा करो। अरे नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं जेठालाल, गुस्सा कर रहा था। नहीं नहीं जेठालाल, तुम दया भाभी पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे। अरे भी दया भाभी थोड़ी सी लेट होगी तो क्या हुआ, तुम भी कभी बाहर जाते हो और लेट हो जाओ तो क्या दया भाभी गुस्सा करती है? हाँ जेठा भाई, और एक्चुअली बात ये थी कि मेरी कजिन एकता के कारण हम सब लेट हो गए, वेरी सॉरी। और मेरी पर्स भी खो गई थी निमकी तो उठा थी। तो दया ने मुझसे वादा क्यों किया कि वो आज मेरे लिए मस्त काठियावाड़ी खाना बनाएगी? भाई जेठालाल, सौ बात की एक बात, अगर तुमने दया भाभी पर गुस्सा किया तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। पक्का? नहीं नहीं, दोस्ती खत्म तो खत्म, मैं तो दया पर गुस्सा करूंगा।
क्योंकि यह दाल ढोकली ठंडी हो रही है। अगर दया ने फटाफट यह गर्मा गर्म दाल ढोकली नहीं खाई तो मैं तो गुस्सा करूंगा। दाल ढोकली? ओहो जेठा भाई, हम क्या समझ रहे थे? टप्पू के पापा मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। ये दाल ढोकली बापूजी, टप्पू और टप्पू के पापा ने बनाई है मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है जेठा जी, दया भाभी के लिए आपने खाना बनाया? नहीं नहीं, खाना तो बापूजी ने बनाया, मैंने और टप्पू ने तो खाली खाना बनाने में बापूजी का साथ दिया, और ये खाना बनाने का आइडिया भी बापूजी का ही था। नाइस, क्या बात है। मुझे तो भूख के मारे दया पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बापूजी ने मेरे गुस्से पे समझदारी का ठंडा पानी डाल के मेरे गुस्से को मस्त शांत कर दिया। देखो जेठिया के साथ साथ मैं तुम सब पतियों को भी एक बात समझाना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी पत्नी की घर के लिए होती है उतनी ही जिम्मेदारी पति की भी घर के लिए होनी चाहिए। अरे पति और पत्नी तो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, दोनों में तालमेल हो तो जीवन की गाड़ी एकदम खुशी से चलती है, वरना गड्डी पंक्चर हो जाती है, समझा? बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, समय समय पे हमें जीवन की सीख देने के लिए। सचमुच हमारे परिवारों में, हमारे घरों में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग बिल्कुल एक दीपक की तरह होता है जो हम सबको रोशनी दिखाता है, और शायद आप लोगों की सीख की वजह से हम सब लोगों का परिवार परिवार बना रहता है। बहुत 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 धन्यवाद चाचा जी। और यारो, और हम सब बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे पास चाचा जी जैसे बुजुर्ग हैं। अरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परिस्थिति मनचाही नहीं होती, हर परिस्थिति को मनचाहा बना लेना चाहिए। हाँ बराबर, और यही जीवन का सच्चा सुख है। और सब लोग अगर परिवार में इसी तरह से रहे तो हर परिवार खुशियों का संसार बन जाएगा। भाई इस बात पर चाचा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलो जेठा भाई ने तो दया भाभी के लिए खाना बना दिया है, अभी हमारा खाना बनना बाकी है। चलो अरे रुक जा, रुक जा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि मेरे गोकुल धाम की सारी बेटियां बाहर गई है, इसलिए किसी को खाना बनाने का वक्त तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी दाल ढोकली बनाई है। क्या बात है, सब लोग यहीं पे दाल ढोकली खाएंगे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच चाचा जी। इसे कहते हैं दूरदृष्टि, मतलब डिस्टेंस साइट। भाई ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन दाल ढोकली की खुशबू से ऐसा लग रहा है कि दाल ढोकली बहुत स्वादिष्ट बननी होगी, अब शुरू करते हैं। चलो चलो भाभी, बातें बहुत हो गई, अभी दाल ढोकली खाते हैं, मुझे भी जबरदस्त भूख लगी है भाई। वरना बापूजी के हाथों से बनी चटकदार दाल ढोकली ठंडी हो जाएगी। बबीता तुम जो बोला वो बनाएगा। अय्यर भाई, बबीता जी के लिए खाना ही बनाना, बबीता जी का मत बनाना। दोस्तों हिंदी मसाला फिल्मों की तरह हैप्पी एंडिंग हुई गड़ा हाउस में, खाया पिया और खुशियों की बरसात। भाई क्या खूब सजा दी चंपक चाचा और जेठालाल ने दया भाभी को। मित्रों अगर जीवन में कोई सबसे बड़ा सम्मान है तो स्त्री का सम्मान है। त्याग की मूर्ति स्त्री अपने जीवन में इतने त्याग करती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसे सम्मान दें। जिस तरह दया भाभी के चेहरे पे इस वक्त खुशहाली है, वैसी खुशहाली देश की हर स्त्री के चेहरे पे, घर में, समाज में हम एक ऐसा माहौल बनाए कि स्त्री स्वयं को सुरक्षित समझे। और त्याग की मूर्ति स्त्री अगर अपनी जिम्मेदारी से जरा सी चूक भी जाए तो हम उसे अपनी जिम्मेदारी समझ के उसे पूरा करें, जिस तरह से चंपक चाचा ने किया। अगर ऐसा हुआ तो देश के हर घर में ऐसा माहौल होगा जैसा गोकुल धाम में। मैं तो कहता हूँ ये भावना देश के हर घर में होनी चाहिए, जैसी भावना चंपक चाचा की, तभी हम स्त्री को सही स्थान और सही सम्मान दे पाएंगे और सबके चेहरों पर खुशी बरकरार रहेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.